जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिनमंत्रण के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वाना, हैशटैग बच्चा पार्टी, और एक भयानक सा बम फूटने वाला है, वो है ये। और ये है एक नया नोटिफिकेशन जो कल आया था, जो टाइम नहीं मिल पाया तो मैं नहीं डाल पाया इस पर वीडियो। NVS ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, क्योंकि NVS का रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट आने से पहले एक बड़ा धमाका ये है कि अब आप अगर नवोदय विद्यालय में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जिस भी पोस्ट पर हैं, तो आपको लगा कि मान लीजिएगा आप नवोदय में काम कर रहे थे और इस बीच में आपको केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन आ गया, तो आप वहां जाएंगे कि भैया हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हम केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हैं, हमें NOC दे दो। तो पहले क्या होता था, 2 साल का जैसे प्रोबेशन होता था, इस बार इन्होंने ये वाली बात बोल दी कि अब कोई भी ऐसा एम्प्लॉई जो नवोदय विद्यालय में काम कर रहा है उसे NOC 5 साल से पहले नहीं मिलेगा। इसका मतलब 5 साल तक आप एक तरीके से एक वो मजदूर हैं जो वहीं रहेंगे, वहां से छोड़ के नहीं जा सकते। और बाई चांस आप छोड़ के जाते हैं तो आपको उसको फायदा नहीं मिलेगा। NOC का फायदा ये होता था कि आपकी जो सर्विस में ऐड हो जाती थी चीजें, तो इसका मतलब अगर केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं तो आपके पास जीरो हो जाएगा, सब कुछ नहीं है। एक तरीके से गलत है, गलत भी है सही है। मतलब मैं इसलिए गलत हूँ क्योंकि आपको ने एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जहाँ भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपने वैकेंसी 4 सालों में निकालते हैं, 5 सालों में निकालते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप आगे नहीं ग्रो कर सकते, दूसरी उसमें नहीं जा सकते ऑर्गेनाइजेशन में। और शायद इसलिए इन्होंने क्या कि भाई होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट से छोड़ने वाले टीचर्स से नॉन टीचिंग स्टाफ ज्यादा हो जाते, तो ये एक तरीके से आप पर थोप दिया गया कि अब आप वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 साल तक वहां रहते तो इसके अलावा आपकी भाई 5 साल की जो आपके एक सर्विसमैन की भी कुछ मिलती थी, या सर्विसमैन की कोई आपको मिलता था एज रिलैक्सेशन, वो भी गया। तो बहुत सारी चीजें हैं इस पर, बस फिलहाल यही है कि अब आपके पास ये है कि अब आपको 5 साल वहीं रहना पड़ेगा, उसी के बाद आपको NOC मिलेगा। और एक चीज और मैं यहाँ जरूरी जो है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय हमेशा नवोदय विद्यालय के रूल्स को कहीं ना कहीं फॉलो करता रहा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से जुड़ी ही रहती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो अगर आपको ये केंद्रीय विद्यालय में भी देखने को मिल जाए तो ये सोच मतलब हैरान मत होइएगा कि नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी जब सिलेक्ट होते हैं उन्हें लगता है कि DEE में सिलेक्शन होगा, छोड़ के आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भी। लेकिन जो भी था, इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप पर एक तरीके से आपका जो एक समानता का अधिकार समझ लीजिएगा, या आपके कुछ राइट्स होते हैं ना कि आप चॉइस है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो 5 साल तक रहिएगा उसी में, कहाँ, नवोदय विद्यालय में। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, ध्यान रखें अपना। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप बने। थैंक यू सो मच।